Hello everyone, good morning all of you. Good morning guys, this is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy and I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. Hi everyone, how are you all? All fine? Theek ho aap log sab? I'm doing good too. Good morning Anupam. So yeah guys, today Thursday ka din hai, October 7th and I'm back again with the newspaper analysis session. Aaj Mumbai edition liya hai. As I said, main zyada karke Mumbai aur Delhi edition dono prefer karti hu kyunki properly bifurcated news aati hai, theek hai, usme properly distributed, not focused just on one state or something, theek hai. So aaj the Hindu newspaper analysis mein kya hai hum dekhte hain. A lot of important news in today's newspaper guys, so we will see all of them one by one. But before that I would like to tell you that this session is useful for all the law entrance exam aspirants. If you are giving CLAT, ALIT, LSAT, SLAT, MHCT, DULLB, BLAT, in all those sessions, all those exams, ye session aapko bahut help karega. Jaise ki aur teen tarike se help karega. How? ऑफ कोर्स जीके में करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में तो हेल्प कर ही रहा है, उसके साथ साथ आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी भी बहुत स्ट्रांग होगा, उसके साथ साथ आपका लीगल रीजनिंग के रिलेटेड न्यूज़ भी मैं बताती जाती हूँ. सो तीन सेक्शन में आपको एक सिर्फ ये एक फ्री सेशन में हेल्प होगा. सो इजन दैट अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग गाइज? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वंडरफुल सेशन रहने वाला है, आई कैन अश्योर यू. आप खुद भी कमेंट करके लास्ट में बता सकते हो आपको सेशन कितना वंडरफुल लगा. All right, and I come up with this session regularly from Monday to Saturday, 10:15 to 11, 45 minutes का ये session मैं रोज़ लाती हूँ. आपको भी रोज़ attend करना चाहिए. Why? Because current affairs is something you cannot accumulate and later read later on. आपको रोज़ अपना current affairs update करना ही चाहिए. So that is why I bring this session every day. And you also make sure that you don't fail to attend this session on regular basis. So for that purpose, आपको subscribe कर लेना है channel को. जल्दी से ये वाली channel and academic CLAT channel को subscribe कीजिए, so that you don't miss even on a single session. आपको रोज़ notification फिर आ जाएगी और आपका एक भी session miss नहीं होगा. हाँ, lot of students ask me, ma'am हमारी school होती है time पे, हमें नहीं morning में comfortable. तो जिसको भी कंफर्टेबल नहीं है, पूरे दिन में कभी भी रिकॉर्डिंग देखो, बट आज का 7 अक्टूबर का आज रात को सोते पहले आपको ख़त्म कर देना है, देखे ये एक मेक श्योर करो रोज़, ठीक है. तो रोज़ आपको दिन में कभी भी 45 मिनट्स निकाल के ये सेशन देख लेना है. आपका आई एम टेलिंग यू 60% कितना 60% करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल आस्क के मैम इज़ इट इनफ, ये अकेला इनफ? तो नॉट रियली, बिकॉज करंट अफेयर्स इज लाइक अ सी, इतना बड़ा है, मतलब इतना वास्ट है करंट अफेयर्स, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. सो आई वोंट लाई एंड से कि यही अकेला इनफ है, बट आई वुड से 60% जितना कवर हो सकता है, और दूसरा 40% कैसे कवर होगा उसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगी, ठीक है. ओके, या गुड मॉर्निंग आसिफ, साहिल, तनुप्रिया, मुस्कान, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. सो Make sure you guys attend this session on a regular basis. आप रोज़ अटेंड किया कीजिए इस सेशन को एंड इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके. एंड दूसरा एक छोटा सा काम आपको करना है, सारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ ये सेशन के बारे में शेयर कीजिए. जल्दी जल्दी से ये कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, सभी के साथ आप शेयर कर पाओ. एंड यू नो शेयरिंग से क्या फ़ायदा होगा आपको, कुदरत जो हमारा है ना, नेचर, ये आपको एबेंडेंस में वापस देता है व्हेन यू शेयर, ठीक है. तो शेयर कीजिए जल्दी से. मीनवाइल सारे न्यू स्टूडेंट्स को मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ. गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज, आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स. I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge.
सिया गाइस दैट्स मी, ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। थोड़ा एक्सक्यूज करना, गला तो मेरा कुछ दिन से ख़राब था, सर्दी भी बहुत हो गया है, लॉट ऑफ कोल्ड, जिसकी वजह से थोड़ा नेजल टोन आएगा। आज हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं गाइस। ये बढ़िया से अनअकैडमी के फीचर्स हैं। जिसने भी अनअकैडमी नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से ज्वाइन कीजिए। गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है? ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप ये डाउनलोड कीजिए। टू साइन अप एंटर होने के लिए यू कैन यूज़ द कोड निधि लाइफ, निधि लाइफ कोड यूज़ करके एंटर कीजिए। फिर सर्च कीजिए निधि ध्रुव, मेरी सारी क्लासेस आपको दिखेगी, ठीक है? तो अनअकैडमी पे दो टाइप की क्लास है, फ्री वाली और पेड वाली। फ्री वाली क्लासेस को वी कॉल स्पेशल क्लासेस, पेड वाली क्लासेस को वी कॉल इट एज प्लस क्लासेस। तो पहले कुछ दिन स्पेशल क्लास फ्री वाली देखिए, देखिए आपको कैसा लग रहा है प्लेटफॉर्म, टीचर्स कैसे लग रहे हैं, टीचिंग कैसा लग रहा है, एंड फिर आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये सारे बैचेस अटेंड कर पाओगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट एक एक एडुकेटर ख़त्म करेंगे आपके लिए। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिस्टमैटिक वे में सब्सक्रिप्शन लेना होगा और बैचेस को एनरोल करना होगा। कोई भी बैच अटेंड कर पाओगे वंस यू टेक सब्सक्रिप्शन, डोंट वरी। तो ये सारे बैचेस चालू हो रहे हैं, एक कल से हुआ है और एक 4 तारीख से चालू हो चुका है। दोनों में मैं जीके करवा रही हूँ गाइस। दिस आर द प्राइस, ठीक है? ये ईएमआई वाली चीज़ ही प्राइस ही दिखाई हुई है अभी। 9 मंथ्स वाला एक न्यू ऑफरिंग है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तक आप 9 मंथ्स वाला लोगे तो बेस्ट होगा आपको। एडिशनल डिस्काउंट के लिए 10% डिस्काउंट के लिए निधि लाइफ कोड यूज़ करना मत भूलना, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए। आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्पेशल क्लासेस, और मैं बता रही थी कि 60% सिलेबस तो आपका करंट अफेयर्स मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस में हो जाएगा। अदर 40% कैसे कवर होगा, तो यहाँ कवर हो। तो ये भी मेरी बिल्कुल फ्री वाली क्लास है। कैसा आप यूट्यूब पे फ्री में क्लास देख रहे हो, वैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप में यू विल बी एबल टू वॉच फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस मतलब स्पेशल क्लासेस। तो आज मेरी कौन सी स्पेशल क्लास है? आज है करंट अफेयर्स का क्विज, 26 to 30 September का करंट अफेयर्स का क्विज कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ गाइज, 5-5 दिन के करंट अफेयर्स का कुछ कंपाइलेशन बनाती हूँ, कुछ क्वेश्चंस, और उसको क्विज मेथड से करवाती हूँ। सो इन फन वे आप बहुत मज़े के साथ 5 दिन के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है? सो करंट अफेयर्स का क्विज आज हो रहा है आफ्टरनून में। जनरली मेरा टाइम आई नो गाइज 9:30 to 10:30 हुआ करता था, बट आज 1:45 to 2:45 PM है। सो पौने दो से पौने तीन आफ्टरनून टाइम है, रात को नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी प्लस क्लासेस वो टाइम पे स्टार्ट हो चुकी है। 9:30 को आज प्लस क्लास है, इसलिए आज आफ्टरनून में 1:45 to 2:45 है, ठीक है? ज़रूर आइएगा करंट अफेयर्स क्विज के लिए। इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल, मेरी टेलीग्राम पे। लाइव क्विज फीचर आई होप आप लोग यूज़ कर रहे हो। ये टेस्ट दिया कीजिए सैटरडे को, यूलैट टेस्ट है, वीकली T20 टेस्ट, हर रोज़ एक सब्जेक्ट का होता है। आज जैसे थर्सडे को लीगल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, ज़रूर दीजिए। एंड ये वाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो देख के कैसी लगी, एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। थोड़ा प्यार, थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए गाइस, थोड़ा प्यार मोटिवेशन दिखाइए, ओके? वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाईलाइट किया हुआ मेरा PDF, ये मैं रोज़ अपनी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। गुड मॉर्निंग विकास, ठीक है? मेरे टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से सर्च कर सकते हो, निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर। निधि ध्रुव मेरा नाम है, क्लैट एडुकेटर पीछे है, तो निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर के नाम से टेलीग्राम पे शेयर चेक कीजिए, मिल जाएगा। ओके, आज 7 अक्टूबर थर्सडे के दिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइज। मतलब आज तो मुझे एकदम बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको बहुत सारा कुछ लिखना भी, नोट्स भी बनाना है। सारे न्यू स्टूडेंट्स का बता दूँ, फॉर मेकिंग नोट्स वॉट वी डू, मैं ना स्टार मार्क करूँगी ना ब्लू पेन से, जिस भी न्यूज़ के बाजू में उस चीज़ में आपको, और उसमें जितना हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको लिखना है। तो जो न्यूज़ मैं स्टार मार्क कर रही हूँ उसमें जो भी अंडरलाइंड या हाईलाइटेड पार्ट है उसको आपको लिखना है, ठीक है? ओके, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज का, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू हियर केस ऑन यूपी वायलेंस टुडे। सो यूपी में जो लखीमपुर में वायलेंस हुआ, 8 फार्मर्स मारे गए उसमें, सो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो लोग सुओ मोटो ऑन इट्स ओन
उन्होंने कॉग्निजेंस लिया केस का और वो केस सुनेंगे। मतलब किसी ने पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट खुद से ही अपनी मर्जी से, क्योंकि ये देश का काफ़ी अभी हॉट न्यूज़ है और यू नो बड़ा ही संजीदा मामला है, उनसे बहुत सीरियस इश्यू है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद से ही कॉग्निजेंस लेके केस ये सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि यूपी वायलेंस में जो हुआ हम खुद उसका केस सुनेंगे क्या हुआ। सो थ्री जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल हियर सुओमोटो केस ऑन थर्सडे। आज सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई होगी, ठीक है। खुद की मर्जी से किसी ने पिटिशन नहीं फाइल किया फिर भी, सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है कि खुद की मर्जी से कुछ केस जो लग रहे हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के वो सुन सकते हैं। आसिफ वहाँ पे मैं इमीडिएटली जैसे ही क्लास एंड होगा उसके 5 मिनट में अपलोड करूँगी। ओके, सो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के दिन का। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, लिखना है ये वाला न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, लेट्स सी। सिविलियन किलिंग्स कॉज कंसर्न इन JNK। तो जम्मू एंड कश्मीर में आए दिन अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स। देखिए, हमने देखा है कि पाकिस्तान के साइड से सीज फायर हमने पाकिस्तान के साथ किया है फरवरी से ऑलमोस्ट, तो तब से लेके पाकिस्तान के साइड से शेलिंग वगैरह बंद हुई है, बट टेररिस्ट अटैक्स इतने ही ज़्यादा बढ़ गए पाकिस्तान के साइड से। तो JNK जम्मू एंड कश्मीर में इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं जिसमें आर्मी जवान जितने नहीं मारे जाते उतने तो सिविलियंस, हमारे नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं वो मारे जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इश्यू ऑफ कॉज। सो सिविलियन किलिंग्स कॉज कंसर्न इन JNK। टारगेटेड अटैक्स मेंट टू इवोक फियर, JNK की DGP ने बोला है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उन्होंने बोला है कि लोगों में डर पैदा करने के लिए टारगेटेड अटैक्स है, ठीक है। तो इधर हम देखेंगे कि मोर सिविलियंस देन सिक्योरिटी फोर्सेज हैव बीन किल्ड दिस ईयर इन JNK इन वेरियस टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स, राइट। सो जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन या नॉन लोकल्स इन वैली उनको मारा गया है। 6 ईयर्स में जो ऐसा था कि डेटा के सिविलियंस कम और सिक्योरिटी फोर्सेज ज़्यादा मारे जाते थे, अब ये 6 ईयर्स वाला डेटा रिवर्स हो गया है। आज अभी 5 अक्टूबर तक का अगर हम डेटा देखें तो 22 सिविलियंस मारे जा चुके हैं इन द वैली और उसके सामने 20 सिक्योरिटी पर्सोनल, मतलब सिविलियंस का डेथ ज़्यादा हुआ है देन सिक्योरिटी पर्सोनल सेम पीरियड में। इन 2020 सिविलियंस 33 जितने सिविलियंस मारे गए। ऑफकोर्स 2021 वाला ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ अक्टूबर मंथ तक, अभी भी 2 महीने बाकी है। और 2020 में 33 सिविलियंस मारे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस 46 मारे गए एंड 2019 में 36 सिविलियन और 78 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। तो ये साल अभी तक सिक्योरिटी पर्सनल से ज़्यादा सिटीजन्स मारे गए हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू, आउटरेज ओवर सिविलियंस डेथ। सो फैमिली मेम्बर्स जो है, एक मखन लाल बिंद्रू के फैमिली मेम्बर ने बोला कि हमारी स्पिरिट को वो नहीं मार सकते हैं, भले ही हमारी कोई गनमैन आके हमारे एक बॉडी को मार के गए बट हमारी फैमिली की स्पिरिट को नहीं मार सकते वो, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया है। तो ये एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं आपको ये डेटा पूरा जितना हाईलाइटेड है पूरा लिखना है, स्टार मार्क करके मैंने रखा है। तो जो भी ये न्यूज़ भी स्टार मार्क्ड है वो आपको लिखनी है। एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई एम सो सॉरी, एक तो सर्दी हुआ है और AC चल रहा था तो बहुत नाक बंद हो रहा था, इसलिए बंद करना पड़ा गाइस। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये जो है ना लखीमपुर इंसिडेंट हुआ उसमें हमने कल देखा था कि फैमिली ने जो मारे गए फार्मर्स उनकी फैमिली ने
अभी तक उनकी लास्ट राइट्स नहीं किए थे बिकॉज उनको चाहिए था बॉडी का सेकेंड ऑटोप्सी हो, और बुलेट इंजरी के बारे में नहीं मेंशन हुआ था पहली ऑटोप्सी में, इसलिए. सो फैमिली मेंबर्स ऑफ द डेड फार्मर्स आर कंप्लेनिंग दैट इवन इन सेकेंड ऑटोप्सी बुलेट इंजरी के बारे में मेंशन नहीं किया है, ये गलत है, बुलेट इंजरी हुई थी, तो वो उनका बोलना है. ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, नीट एसएस न्यू पैटर्न प्लान ड्रॉप्ड सेज गवर्नमेंट. सो कल यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि नीट एसएस का जो न्यू पैटर्न लाया था ये प्लान अभी ड्रॉप कर दिया है हमने. न्यू पैटर्न अभी 2022 से हम लोग लागू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अगेन आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क. तो जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लिखने जैसी है, नॉट नेसेसरी हर एक न्यूज़ लिखने जैसी है, बट जो भी लिखने जैसी है उसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ और आपको वो उसकी नोट्स बनानी है. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टार मार्क कर रही हूँ. WHO recommends first anti-malarial vaccine. तो गाइज काफ़ी स्टूडेंट्स ये मुझे क्वेश्चन किया है कि मैम सभी न्यूज़ सिर्फ इतना ही पढ़ना है. तो देखिए, जो न्यूज़ डिटेल में पढ़ने जैसी है मैं वो डिटेल में पढ़ाऊँगी, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडलाइन पढ़नी है वो हेडलाइन करवाऊँगी, जो न्यूज़ को बिल्कुल भी स्किप कर देना है वो मैं स्किप करवा दूँगी. तो उस हिसाब से आई डिसाइड कि क्या क्या पूछ सकते हैं. न्यूज़पेपर एनालिसिस का मीनिंग ही ये है कि यू डोंट हैव टू स्पेंड मच ऑफ योर टाइम बिहाइंड रीडिंग न्यूज़पेपर. सो आपको ये हेल्प हो इसीलिए कि कौन सी स्किप करनी, कौन सी ऊपर ऊपर से देखनी, कौन सी डिटेल में देखी, वो समझेगा. जैसे कि नीट वाली न्यूज़ मैंने सिर्फ हेडलाइन करवाई, GNK में सिविल एंड किलिंग्स की न्यूज़ मैंने डिटेल में करवाई, समझ में आया. तो ऐसे होता है. WHO recommends first anti-malarial vaccine. So anti-malaria के लिए जो वैक्सीन है, anti-malarial vaccine WHO ने recommend की है पहली बार. Children in sub-Saharan Africa to get it. तो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट में जो बच्चे हैं वहाँ लोगों को बहुत इफेक्ट होता है मलेरिया से. सो चिल्ड्रन इन सब सहारन अफ्रीकान टू गेट इट, उन लोग को मिलेगी ये वैक्सीन. तो ये ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके वेरी इम्पॉर्टेंट, ये पूरा लिखना है आपको, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. नोबेल प्राइजेस, तो हम लोग रोज़ एक एक नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में. सो अलग अलग कैटेगरी में रोज़ नोबेल प्राइजेस डिक्लेयर किए जा रहे हैं. तो परफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस, जर्मन साइंटिस्ट बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन, अ प्रोफेसर एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वर अवार्डेड 2021 नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, और उन्होंने क्या डायग्नोस किया तो ये आपको पढ़ना है, एंड बेंजामिन का लिस्ट पढ़ना है उन्होंने क्या किया और डेविड मैकमिलन ने क्या किया, ये दोनों चीज़ आपको रीड करना है. ठीक है, ये सिर्फ आपको लिखना होगा गाइज, सिर्फ इतना पार्ट आपको स्टार मार्क कर रही हूँ, ये ही पार्ट लिखना है जो मैं ब्रैकेट कर रही हूँ. ठीक है, बाकी सिर्फ एक बार रीड कर लेना. ऑलराइट, सो ये रीड करने के लिए दे रही हूँ, सबको रीड करना है आफ्टर द क्लास. ये न्यूज़पेपर का PDF जब भी मैं शेयर करूँगी आपको रीड करना है, अबाउट बेंजामिन एंड अबाउट डेविड. ओके, एंड आपको लिखना है इतना है कि नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला और किस चीज़ के लिए मिला. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, नवाब मलिक अलेजेस BJP लिंक इन क्रूज ड्रग बस्ट. आई एम श्योर ये न्यूज़ तो मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी की भी नहीं है डिस्कस न्यूज़पेपर एनालिसिस में. शाहरुख खान के सन आर्यन खान एक क्रूज पे पाए गए विथ ड्रग्स, आई मीन नॉट विथ ड्रग्स एक्चुअली, बट जहाँ ड्रग्स पाए गए वैसी जगह पे वो मौजूद थे वो क्रूज में. तो नवाब और उनको अरेस्ट किया गया. तो नवाब मलिक का ये एलिगेशन है कि क्रूज ड्रग बस्ट जो हुआ उसमें BJP का भी लिंक है. ओके, और NCP मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो शरद पवार की पार्टी है NCP, उनके मिनिस्टर बोल रहे हैं कि केस को मैन्यूपुलेट किया गया है जानबूझ के शाहरुख खान को बदनाम करने के लिए ये किया गया. द क्रूज ड्रग बस्ट केस इन मुंबई टुक अ न्यू टर्न ऑन वेडनेसडे विद अ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर एंड महाराष्ट्र मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी डेवलपमेंट नवाब मलिक
क्लेमिंग दैट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स आई एम सॉरी या टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स अ प्राइवेट डिटेक्टिव फेसिंग अ चीटिंग केस एंड अ बीजेपी लीडर हैड ब्रॉट आर्यन खान एंड अरबाज मर्चेंट टू एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस एंड अलेजिडली पार्टिसिपेटेड इन द रेड. तो रेड में भी बीजेपी के एक लीडर और एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने पार्टिसिपेट किया और इवन अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान को जब एनसीबी लाया गया तभी भी वो लोग मौजूद थे ऐसा बोला जा रहा है. तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें पर्सनली इन्वॉल्व है ऐसा एलिगेशन नवाब मलिक लगा रहे हैं. ठीक है, सब लोगों को समझ रहा है ये चीज़. सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. अगेन आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क. जितना भी जिसमें भी मैंने स्टार मार्क किया है जितना भी हाईलाइटेड अंडरलाइन पार्ट है आपको लिखना है. ठीक है, यस मुस्कान, दैट्स ग्रेट विकास. इट्स अ गुड आइडिया विकास. नोबेल प्राइज पे पूरा वीडियो बनाते हैं. थैंक यू फॉर द यू नो आइडिया. आई विल डेफिनेटली मेक इट. चार्ट नहीं बनाना है शिवम, जस्ट वो ऊपर का न्यूज लिखना है. ओके ऑलराइट, चलो आगे इम्पोर्टेंट न्यूज देखेंगे. तो ये सारी हो गए हमारी फ्रंट पेज की इम्पोर्टेंट न्यूज. अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सेशन, तो लाइक भी जरूर करना. एक न्यूज बाकी रह गई बाय द वे, फ्रंट पेज की और एक न्यूज है. सब लोग लाइक बटन हिट कर लेना सबको अगर अच्छा लग रहा है सेशन. ठीक है, US underlines unease over S-400 deal. गाइज, इंडिया और रशिया के बीच में S-400 का डील हुआ है. मतलब हम सबको पता है, आप सबको पता होगा कि रशिया हेल्प्स इंडिया अलॉट विथ डिफेंस. ओके, सो US ने इस चीज़ के बारे में अनइजीनेस दिखाया है कि S-400 डील जो है वो. सो दिल्ली एंड वॉशिंगटन आर ऑन द सेम पेज ऑन अफगानिस्तान. US के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्होंने ये मेंशन किया है कि इंडिया और US से सेम पेज पे अफगानिस्तान के मैटर को लेके. ठीक है, बट साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि रशियन S-400 मिसाइल जो है, जो अभी उसकी डिलीवरी बाकी है इंडिया को होनी, वो लोग करने वाले हैं ये डील को. उन्होंने बताया कि काफ़ी डेंजरस है एंड एक्सप्रेस द होप दैट द टू साइड्स कुड सॉल्व द इश्यू अराइजिंग फ्रॉम पॉसिबल US सैंक्शंस ओवर द डिफेंस परचेज. तो US होप कर रहा है कि ये जो इश्यू है ये डील ना हो. ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि S-400 कोई भी यूज़ करे उसके बारे में हम काफ़ी पब्लिकली बोलते हैं, ऐसा US के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला है. और वो होप करे कि लोग शांति से ये इश्यू सॉल्व करें और S-400 मिसाइल कभी यूज़ ना करना पड़े. तो ही उन्होंने देव शोन US ने मैंने एक अनइजीनेस दिखाया है S-400 डील को लेके कि हमें वो पसंद नहीं है ऐसा. हालांकि ये वाला लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, हाय तनु, हाय, गुड मॉर्निंग. ओके, सो ये सारी हो गई हमारी फ्रंट पेज की इम्पोर्टेंट न्यूज़. तनु, हमारी फ्रंट पेज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो चुकी है. जितना आपका मिस हुआ उतना आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये भी लिखनी है. सो जो भी न्यूज़ लिखनी है उसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, लिखना, नोट्स बनाना. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मे बी रीनेम्ड, इट्स नॉट श्योर येट बट इट मे बी रीनेम्ड. अच्छा, तो आप लिखिएगा मत अभी, जब रीनेम होगा तभी लिखेंगे. सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मे बी रीनेम्ड एज अ राम गंगा नेशनल पार्क. यूनियन मिनिस्टर हिंट्स अ चेंज ड्यूरिंग रीसेंट विजिट टू पार्क. तो यूनियन मिनिस्टर ने जब ही वो पार्क में विजिट किया उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा रखने का सोच रहे हैं, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं है. तो जब भी होगा तभी हम लोग लिखेंगे उसको, अभी नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज, हम काफ़ी दिनों से ये वाला चीज़ देख रहे हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा रिवर को लेके जो इश्यू है. सो तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल किया था कृष्णा रिवर को लेके इश्यू आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट, वो विड्रॉ किया है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार मार्क कर रही हूँ. तेलंगाना विड्रॉज कृष्णा रिवर प्ली इन सुप्रीम कोर्ट. तेलंगाना ने बोला है कि वी आर डूइंग दिस एट द सेंटर्स वो.
सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस किया है कि एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाएगा टू रिजॉल्व दिस इश्यू, इसीलिए हम लोग ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में से विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा तेलंगाना ने बोला है। ठीक है, सो दिस इज, और वो फेयर शेयर चाहते हैं कि कृष्णा वाटर, जितना कृष्णा रिवर का पानी जितना आंध्र प्रदेश को मिल रहा है उतना ही तेलंगाना को भी मिलना चाहिए, तो वो एंगल से उन्होंने ये यू नो प्लीडिंग की थी। बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रॉमिस पे कि हम ट्राइब्यूनल एक सेटअप करेंगे इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, इसीलिए उन्होंने विड्रॉ किया है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ लिखिएगा। मैंने आज जैसे बताया बहुत सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज, बहुत सारी, तो ये एक और दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप देख रहे हो। तनु इज आस्किंग मैम लीगल रीजनिंग की क्लास कहाँ थी, 9:30 को हुई थी शाम रात में, 9:30 to 10:30 बेटा, और उसकी टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर की थी, आप जाके आज देख सकते हो, उसकी लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कल रात की 9:30 की लिंक है, देख लेना। एंड आज भी 9:30 को हो रहा है तनु वो सेशन, आप आ जाइएगा। ठीक है, आज के दिन में, कल आने के पहले क्लास में, आई मीन आज रात को आने के पहले कल वाली क्लास एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि उस फर्स्ट क्लास में जो थोड़ा जिस्ट दिया होता है तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, NCC's फर्स्ट एयर स्ट्रिप इन कंट्री गेटिंग रेडी इन इदुकी। सो NCC, सबको बताया ना NCC क्या होता है, तो NCC का फर्स्ट एयर स्ट्रिप कंट्री में स्टार्ट हो रहा है इदुकी में। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, लिखिएगा, कैडेट्स विल बी ट्रेन टू फ्लाई स्मॉल एयरक्राफ्ट। इधर एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट उड़ाने को सिखाया जाएगा कैडेट्स को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ राइट दिस डाउन। आज मैंने जैसे बताया आपको भी बहुत सारी न्यूज़ लिखनी है और बहुत सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आज के पेपर में। सो IISc, सबको बताया IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये नए, दिस IISc बेंगलुरु इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जो हमेशा US के QS वर्ल्ड रैंकिंग्स जो यूनिवर्सिटीज़ की आती है टॉप 500 में, ऑलवेज IISc का भी नाम होता है। ठीक है, तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है IISc। IISc इज़ इंट्रोड्यूसिंग मेडिकल कोर्सेज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, दिस इज़ अ बिग मूव के मेडिकल कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे IISc में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। सो उनके डायरेक्टर ने ये अनाउंसमेंट किया है, सो जस्ट हेडलाइन ध्यान में रखिए, नॉट इन डिटेल। All right, let's see another important news. So we have reached finally to our the most important page, editorial page पे हम पहुँच चुके हैं। Editorial page में आज ये first editorial important है। So editorial is basically guys, जो newspaper के editor हैं खुद अपना opinion लेके आते हैं, comment लेके आते हैं about the ongoing issue, इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट इश्यू है, ऑन गोइंग इश्यू है, उस पर अपनी कमेंट और अपने ओपिनियंस लेके आते हैं। सो दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लॉ एंट्रेंस के लिए, बिकॉज क्लार्क जैसी एग्ज़ाम में आपको जो पैसेज देते हैं ज़्यादा करके यही एडिटोरियल से लिए जाते हैं। ठीक है, और आपको ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, सो बाई रीडिंग दिस ओपिनियंस अबाउट इम्पॉर्टेंट मैटर्स आपको वो ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस एडिटोरियल, रिकॉग्नाइजिंग अल्ट्रुइज्म एंड वन मोर बेनिफिट, आपको और एक फ़ायदा इसमें ये है कि आप कभी भी कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को मिस नहीं करोगे, हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को आप हमेशा कवर करोगे ये एडिटोरियल पढ़ा है तो, राइट। सो रिकॉग्नाइजिंग अल्ट्रुइज्म, गुड सैमरिटन्स कैन हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट डेथ्स बट रोड सेफ्टी नीड्स मोर वर्क। सो रोड सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, बट ये एक आइडिया जो गवर्नमेंट ने लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लाया है कि जो गुड समारिटन्स है उनको हम लोग प्राइज़ देके, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को जो भी
हेल्प करेंगे उनकी जान बचाने में, उनकी लाइव्स बचाने में, उनको कैश प्राइज दिए जाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का मूव है बहुत अच्छा है, इट्स क्वाइट वेलकम, लाइक इट्स अ वेलकमिंग मूव, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। बट फिर भी रोड सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को भी और मेहनत करनी चाहिए, ये एडिटोरियल में एडिटर का ओपिनियन है। ओके तो इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू अवॉर्ड गुड सैमरिटन्स टू सेव लाइव्स हु सेव लाइव्स ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स विद अ कैश प्राइज इज अ वेलकम अटेम्प्ट टू रिड्यूस इंडियाज स्टैगरिंग एनुअल डेथ टोल फ्रॉम मिसहैप्स। तो इतना पार्ट स्टार मार्क कर रही हूँ, इतना जो है ना लिखना है आपको। रैंकिंग थर्ड अमॉन्ग 20 नेशंस, जितना अंडरलाइन कर रही हूँ वो, दैट हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट। तो पूरी वर्ल्ड में 20 ऐसी कंट्री है जिसमें हाइएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं रोड्स पे, इंडिया उसमें से एक है। ओके सो इंडिया फेयर्स फार वर्स ऑन एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक, केसेस टू फैटलिटीज रेशियो, जितने केसेस आते हैं रोड एक्सीडेंट में उसमें ज़्यादा करके लोग मर ही जाते हैं, तो इसमें इंडिया का बहुत खराब नंबर है कंपेयर टू यूएस एंड जापान विच आर मोर रिकॉर्डेड क्रैशेस बट फ्यूअर डेथ्स। तो इंडिया से ज़्यादा क्रैशेस वहाँ पे होते हैं बट डेथ्स फ्यूअर होती है बिकॉज इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी और बहुत बेटर फैसिलिटीज़ है। सो विच आर मोर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 2020 क्या फिगर्स थे, इवन विद सीवियरली डिसरप्टेड मोबिलिटी ड्यू टू कोविड-19, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा शो 133,715 lives were lost in 120,071 cases, 6 cases attributed to negligence related to road accidents. तो हमारे जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उनके डेटा के हिसाब से कोविड के टाइम पे 2020 में जब ये एक्चुअली मोबिलिटी भी कम थी, मतलब व्हीकल्स कम ही निकलते थे रोड्स पे, फिर भी 133,715 deaths हुई पूरे साल में सिर्फ रोड एक्सीडेंट के कारण, और उसमें से 120,716 डेथ्स तो नेग्लिजेंस रोड आई मीन ड्राइविंग के नेग्लिजेंस के वजह से ही हुई। एंड मोटर व्हीकल्स लॉ, एक मोटर व्हीकल्स लॉ इज बेसिकली अ टॉट लॉ, ओके सिविल लॉ, अ गुड समैरिटन वॉलंटरली हेल्प्स एन एक्सीडेंट विक्टिम विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट और रिवॉर्ड एंड हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू रिकॉर्ड हिज इन्वॉल्वमेंट एंड और एड द इन्वेस्टिगेशन इन द केस। तो जो भी गुड समैरिटन है वो अपने यू नो अच्छे लीगल ऑब्लिगेशन के बिना और कोई एक्सपेक्टेशन पेमेंट ना मिले उसके बिना वो लोग वॉलंटरली विक्टिम को हेल्प करते हैं जो रोड एक्सीडेंट में इंजर होते हैं उनको, उसे ही गुड समैरिटन्स बोले जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ एन एंटायर चैप्टर बीइंग एडेड टू मोटर व्हीकल्स एक्ट लास्ट ईयर टू सेंसिटाइज पुलिस फोर्सेज एंड हॉस्पिटल्स ऑन दिस, altruism is affected by the perception of harassment and legal complications. So, पूरा एक चैप्टर मोटर व्हीकल्स एक्ट में ऐड हुआ है लास्ट ईयर कि जो भी गुड समैरिटन्स हैं उनको परेशान नहीं करना है, उनका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, वो कोई पेमेंट के एक्सपेक्टेशन के बिना करते हैं, तो वो जब भी कोई विक्टिम को हॉस्पिटल में लाते हैं उनको परेशान एटलीस्ट मत करो, ऐसा लाया है। बट फिर भी पुलिस फोर्सेज और हॉस्पिटल नहीं समझ रही है। मिनिस्ट्रीज लेटेस्ट मूव सीक्स टू ओवरकम reticence by rewarding socially minded individuals who offer immediate assistance and rush a victim with certain kinds of injury to hospital. तो इसीलिए देखिए गुड समैरिटन्स चाहते हैं लोग, सोशली जो अटैच लोग हैं वो लोग लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, बट बिकॉज हॉस्पिटल के कॉम्प्लिकेशन और पुलिस के कॉम्प्लिकेशन में ना फंसे लोग फिर अवॉइड कर लेते हैं। बट मिनिस्ट्री ने जो अभी एक लेटेस्ट मूव लिया है कि उनको कैश प्राइज दिया जाएगा, उससे लोग जो रेजिस्ट करते थे कि नहीं क्यों वे हेल्प करें, फालतू में हेल्प करके हम फंस जाएंगे, तो ऐसा नहीं रहेगा उनके लिए अभी बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्रीज दिस मूव। सो विद ₹5,000 एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर सेविंग अ लाइफ, सो ₹5,000 का कैश प्राइज और रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन कि आपने किसी की जान बचाई है ये मिलेगा उनको। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लान, और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्लान एग्जीक्यूट करना होगा with the center providing an initial grant, but the union transport ministry will give its own award of 1 lakh each to the 10 best good samaritans in a year. ठीक है, तो ये उनका प्लान है, ये स्कीम है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इनिशियल ग्रांट देगी, बट स्टेट गवर्नमेंट 5,000 का
प्राइज, कैश प्राइज हर एक समैरिटन्स को देंगे एंड एक सर्टिफिकेट देंगे, एंड टॉप 10 जो गुड समैरिटन्स रहेंगे पूरे साल में उनको यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री 1 लाख का इनाम देगी। तो ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतना पार्ट आपको नोट्स बनानी है उसकी, ओके? सितंबर 3 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया लॉन्ग पेंडिंग नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड विद अ मैंडेट टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स ऑन अमॉन्ग अदर थिंग्स सेफ्टी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, टू बिल्ड कैपेसिटी अमॉन्ग ट्रैफिक पुलिस एंड पुट क्रैश इन्वेस्टिगेशन ऑन अ साइंटिफिक फुटिंग। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम से ये बनाना था बट अभी फाइनली बना लिया है 3 सितंबर को नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, जिसमें एक मैंडेट है जिसमें नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड स्टैंडर्ड्स बनाएंगे सेफ्टी के, ट्रॉमा मैनेजमेंट के, कैपेसिटी बिल्डिंग के, ट्रैफिक पुलिस के कैपेसिटी बिल्डिंग के, क्रैश इन्वेस्टिगेशन के, साइंटिफिक फुटिंग के, सबके स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, ठीक है? येट ऑन एनफोर्समेंट स्टेट पुलिस फोर्सेज जनरली अपीयर टू फेवर अ पॉपुलिस्ट अप्रोच ऑफ लीस्ट मैनेजमेंट लीस्ट एंगेजमेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ब्यूरोक्रेसीज कंपेयर्ड बाई यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इन 2015 टू लूटिंग चंबल डिकॉइट्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम अ शेकअप। सो यू नो अभी भी एनफोर्समेंट नहीं हुआ है उसका, बट स्टेट पुलिस फोर्सेज ज़्यादा करके पॉपुलिस्ट अप्रोच ही फॉलो करती है, और जो रीजनल ट्रांसपोर्ट की ब्यूरोक्रेसी होती है, मतलब वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाना, ये हमेशा से चलता आया है, होता ही रहता है। 2015 में जैसे नितिन गडकरी ने बताया था यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कि चंबल के जो डिकॉइट्स है, जो लूट डाकू लोग हैं, उनको भी यू नो पुलिस का फेवर करते हुए उनके बारे में ऐसे बताया था, तो ये भी बेनिफिट भी शेकअप हो जाएगा आफ्टर दिस, क्योंकि लोग हेल्प करने लगेंगे एक दूसरे को, ठीक है? तो इसी बारे में ये पूरा बताया है, इतना पार्ट आपको करना था इस आर्टिकल में से। आई होप मैंने पूरा एडिटोरियल डिटेल में समझाया है, आई होप आप सबको समझ में आया है। अगर सबको समझ में आया तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना और कमेंट करना, बताना मैम कैसा लगा है, आपको समझ में आया नहीं, बोलो यस मैम अगर समझ में आया, यस मैम वी अंडरस्टूड वेरी वेल, ऐसा सब बताओ, ठीक है? सो ये आपको बताना है, बाकी एक भी आर्टिकल इस पेज से इम्पॉर्टेंट आज नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कौन सा है करते हैं। ममता सीक्स मोदीज इंटरवेंशन, तो ये न्यूज़ लिखनी नहीं है, बट चीफ हमें पता है वेस्ट बंगाल में कितना फ्लड सिचुएशन है, ठीक है? सो आप फोटो से देख सकते हो, ये यू नो एरियल व्यू है बंगाल, साउथ बंगाल का, जहाँ कितना पानी भर गया है। तो चीफ मिनिस्टर सेज फ्लडिंग इन साउथ बंगाल रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म मेजर्स। आए दिन बंगाल में साइक्लॉन्स होते रहते हैं, फ्लड लाइक सिचुएशन होती रहती है, तो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, शी सीक्स मोदीज इंटरवेंशन, के वो चाहती है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने एक लेटर लिखा है और बोला है कि ये जो फ्लड सिचुएशन हो रहा है इसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले, ये वो चाहती है। शी वॉन्ट्स के मोदी जी इसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे और साउथ बंगाल के लिए, पूरे वेस्ट बंगाल के लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स ले फ्लड सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। स्टार मार्क कर रही हूँ ये न्यूज़ को, इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट अप्रूव्स फेस्टिवल बोनस फॉर रेलवे एम्प्लॉयज। सो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, ठीक है? इसमें एस्टिमेटेड फिनेंशियल एम्प्लीकेशन होगा 1,984.73 करोड़ का, ठीक है? तो रुपीज़ 1,984.73 करोड़ इतना पैसा ये बोनस के लिए साइड में रखा है, ठीक है? और इस आर्टिकल को पूरा रीड करना है, ओके? ये पूरा रीड करना गाइस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। हाय शौर्यवीर, गुड मॉर्निंग, कैसा गया एमएचसीटी एंड ड्यूएल एलबी शौर्यवीर?
साहिल आहूजा इज आस्किंग मैम इज बिजनेस न्यूज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स यस यस आयुषी आई कम लाइव एट दिस टाइम ओनली 10:15 का टाइम है कभी कभी 10:20, 10:25 भी हो जाता है बट आज तो 10:15 को ही स्टार्ट किया तो 10:15 to 10:30 के बीच में मैं स्टार्ट कर लेती हूँ सेशन ओ आई विल टॉक टू टीम तनु अबाउट इट कि आपको लाइव क्यों नहीं देखा मतलब नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया ठीक है चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सो कुछ दिन पहले भी हमने ये न्यूज़ देखी थी सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स को कुछ बैंड आइटम्स यूज़ करने से यूज़ अभी भी क्यों हो रही है इसके बारे में बहुत क्लास ले ली थी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी और उनको बोला था कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करवा देंगे बैन कर देंगे आपको अगर आप बैंड आइटम्स यूज़ करोगे तो अगेन सुप्रीम कोर्ट भड़क चुकी है सुप्रीम कोर्ट बोल रही है फायर क्रैकर मेकर्स को पूछ रही है व्हाई आर यू स्टॉकिंग बैरियम डिस्पाइट बैन बैरियम यूज़ ही नहीं कर रहा है फायर क्रैकर बनाने में फिर भी आप क्यों उसको स्टॉक कर रहे हो सो कोर्ट सेज कि हम लोग ऑर्डर कर देंगे सीजर का अगर हम लोग टॉक्सिक केमिकल्स आपके अभी प्रमाइसिस में मिले तो उसे हम सीज करवा लेंगे ठीक है सीजर का ऑर्डर हम लोग सीज करना मतलब कॉन्फिस्केट करवा लेंगे इसका ऑर्डर पास कर लेंगे ठीक है और इसमें मैटर पे सीबीआई प्रोब भी हो रहा है तो ये स्टार मार्क करियो लिखना ये भी अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज बहुत सारी न्यूज़ गाइज इंपॉर्टेंट है जो लिखनी भी है आज का न्यूज़पेपर लाइक सुपर इम्पोर्टेंट यूपी टॉप्स लिस्ट ऑफ स्टेट्स एमिटिंग फाइन पार्टिकुलेट मैटर सो एनवायरमेंट पोल्यूशन करने में लाइक यूपी आगे है जो एमिशन होता है फाइन मतलब छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर का हवा में उसमें यूपी सबसे आगे है स्टडी में ये पता चला है किसने ये स्टडी किया है तो काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर इन्होंने ये स्टडी किया है ठीक है टॉप पोल्यूटर्स ये वाला आपको पूरा चार्ट लिखना है मैं स्टार मार्क कर रही हूँ इसको ये पूरा करना यूपी सबसे टॉप पे है फिर महाराष्ट्र फिर एमपी ओडिशा राजस्थान और वेस्ट बंगाल ठीक है तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अभी बिजनेस न्यूज़ में आज के दिन तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है ये नोबेल प्राइज़ का तो ऑलरेडी हमने कर लिया तो इधर से मैं आपका स्किप करवाती कर रही हूँ क्योंकि नोबेल प्राइज़ का आगे मैंने आपको बोला है लिखने को ठीक है नाउ चाइना और ताइवान के बीच में बड़ा ही इश्यू चल रहा है चाइना और ताइवान का जो टेंशन है ये वर्स्ट है 40 इयर्स में ये अभी जो चल रहा है चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन है वो लास्ट 40 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ वैसा टेंशन चल रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कमेंट किया है कि बीजिंग मतलब चाइना हैज़ द एबिलिटी टू स्टार्ट अ वॉर बट इट वुड वे वेरियस आउटकम्स सो वॉर करने का स्टार्ट ऑफकोर्स उनका कैपेसिटी है बट बहुत सारे आउटकम्स को वो लोग सोच समझ के फिर ही वॉर चालू करेंगे ऐसे नहीं करेंगे सो ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला है क्राइसिस इन द स्ट्रेट ये देखिए चाइना है आप देख रहे हो मैप में और ये ताइवान है और उन दोनों के बीच में स्ट्रेट ये वाला तो मीडियन लाइन ऑफ द ताइवान एयर डिफेंस जोन ठीक है ये वाला जो है एयर डिफेंस जोन है उनका सो क्या हुआ है एग्जैक्टली प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हो ये पूरा सो बाय सेंडिंग अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ मिलिट्री जेट्स टूवर्ड्स ताइवान ओवर द लास्ट वीक चाइना हैज शोन अ न्यू इंटेंसिटी एंड मिलिट्री सोफेस्टिकेशन एज टेंशन राइज अराउंड द आइलैंड ठीक है कि हमारा डिफेंस अभी कितना पावरफुल हो चुका है वो दिखावा किया है चाइना ने प्रॉपरली ताइवान को डराने के लिए ताइवान्स एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कवर्स एन एरिया इंक्लूडिंग द ताइवान स्ट्रेट ये वाला है एरिया जो ग्रे लाइन दिख रही है ना आपको वो ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है वहाँ चाइना ने सारे ये जेट्स भेजे थे ओके एंड लार्ज वॉर्थ ऑफ चाइना मेनलैंड ताइवान कंसिडर्स जेट्स क्रॉसिंग एन अनऑफिशियल मीडियन लाइन बिटवीन चाइना एंड द आईलैंड एज एन इंकर्जन और ताइवान बोल रहा है कि ये एक मीडियन लाइन है हमारे दो कंट्री के बीच में उसे क्रॉस करके इंट्रूजन किया है चाइना ने ताइवान के अंदर यूएस कॉल चाइनाज लेटेस्ट एक्शन रिस्की एंड डी एस्टैब्लिशिंग वाइल चाइना रिस्पॉन्डेड दैट यूएस सेलिंग वेपन्स टू ताइवान एंड चिप्स नेविगेटिंग द ताइवान स्ट्रेट वर प्रोवोकेटिव तो यूएस ने बोला है कि चाइना जिस तरीके से अभी जेट्स भेज रहे हैं वो स्ट्रेट में डराने के लिए वो रिस्की है
तो चाइना ने जवाब दिया है कि यूएस जो सेल कर रहा है वेपन्स ताइवान को, और उनकी जो यूएस की शिप ताइवान को बचाने के लिए नेविगेट कर रही है ताइवान स्ट्रेट में, वो काफ़ी प्रोवोकेटिव है, उससे हम भड़क रहे हैं। एज चाइना वॉज कंडक्टिंग इट्स मोस्ट रीसेंट फ्लाइट्स, 70 ships फ्रॉम 6 navies, US, ब्रिटेन, जापान, नैदरलैंड्स, कैनेडा एंड न्यूजीलैंड, इंक्लूडिंग 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, जापानीज हेलीकॉप्टर कैरियर, कैरिड आउट जॉइंट मैनोवर्स ऑफ जापान। तो ये जो जेट्स ताइवान स्ट्रेट के उधर भेज रही थी चाइना, तभी क्या हुआ, 17 ship 6 नेवीज की, US, ब्रिटेन, जापान, नैदरलैंड, कैनेडा, न्यूजीलैंड की, उनकी भी वही स्ट्रेट में वो वाली शिप्स थी, ठीक है, नेवीज की, और 3 जापान के एयरक्राफ्ट भी घूम रहे थे टू प्रोटेक्ट ताइवान एक्चुअली, ठीक है। डीप डिविजन्स, चाइना एंड ताइवान वर डिवाइडेड ड्यूरिंग अ सिविल वॉर इन 1940s, ठीक है। चाइना से अलग हुआ पार्ट है, जैसे इंडिया से कैसे पाकिस्तान अलग हुआ है, वैसे चाइना से ताइवान अलग हुआ है 1940 में। एंड बीजिंग इंसिस्ट द सेल्फ रूल्ड आईलैंड विल बी रीयूनिफाइड विद द मेन लैंड एट सम, चाइना बोल रहा है कि ताइवान को कभी ना कभी हम चाइना में वापस मर्ज कर लेंगे। द आईलैंड हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड लीडर्स एंड अबाउट 3 लाख एक्टिव ट्रूप्स। तो आईलैंड के पास, ताइवान के पास खुद के 3 लाख जितने एक्टिव ट्रूप है, खुद की गवर्नमेंट है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। ओनली अ फ्यू कंट्रीज हैव रिकग्नाइज ताइवान, US हैज़ नो डिफिकल्ट आइज विद द आईलैंड। हालांकि काफ़ी लोगों ने अभी भी उसको चाइना का ही पार्ट समझता है और ताइवान को एक अलग से कंट्री नहीं समझते हैं, बट US का अच्छा रिलेशनशिप है ताइवान के साथ और US उसको हेल्प भी करता है। सिंस 1st of February चाइना हैज़ फ्लोन 149 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन ताइवान एयर डिफेंस जोन। तो ताइवान में इंट्रूड करने की, इंक्लूजन करने की ट्राई की है 1st February से लेके अभी तक। देखिए 38 एयरक्राफ्ट 1st February को, 2nd February को 39 एयरक्राफ्ट, 3rd February को 16 एयरक्राफ्ट, 4th February को 56 एयरक्राफ्ट ऐसे भेजे थे पास्ट ईयर में। एंड या ऑलमोस्ट अभी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो चुके हैं हमारे, स्पोर्ट्स न्यूज़ में आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। आई होप गाइस आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। लाइक बटन ज़रूर हिट करना अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो, एंड ये क्लास अटेंड करना मत भूलना, आफ्टरनून 1:45 टू 2:45 PM ये क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स क्विज की, ठीक है, जिसमें मैं 5 दिन के करंट अफेयर्स कवर करूँगी 26 टू 30 सितंबर। दो मैंने कंटिन्यूड लिखा है बट नहीं, 26 टू 30 सितंबर 5 तारीख को नहीं करवा पाई थी, आज ही चालू होने वाला है, ठीक है। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। ऑलराइट ऑलराइट गाइज, बाय बाय एवरीवन, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।